हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बत्रा हेल्थ केयर। मैं हूं डॉक्टर संजीव। आज मैं एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है, इस पर बात करने वाला हूं कि हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन कैसे करें और इसका सही तरीका क्या है। अब देखो, ये अननेचुरल है। हम हमेशा मना करते हैं कि मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए। ये अननेचुरल है, इसका असर आपकी पूरी बॉडी पर होता है, फिजिकल और मेंटल वीकनेस आती है और कई चीजें होती हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो यंग हैं, जिनके पास पार्टनर नहीं है, तो वो नहीं मानते और सेक्सुअल डिजायर जब आ रहा है अंदर से तो आप कैसे सेटिस्फाई करोगे अपनी बॉडी को। तो इसके लिए मैं कुछ आपको बताने वाला हूं कि मास्टरबेशन हस्तमैथुन कैसे करें और सही तरीका क्या है इसका। मास्टरबेशन करने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप जब भी मास्टरबेशन करें, वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ, मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। और पहली चीज तो ये कि मैंने कहा ये करना ही नहीं चाहिए, या नेचुरल है, फिर भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और अगर आप कर भी रहे हो और बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो इसको कैसे आप सही तरीके से करो जिससे कि आपको नुकसान ना हो, पेनिस की नसों में डैमेज ना हो, इंटरनल इंजरी ना हो, स्कार टिश्यू ना बने, फाइब्रोस ना बने, पेनिस में टेढ़ापन ना आए, छोटापन ना आए, पतलापन या श्रिंक ना हो पेनिस। ये सारी चीजें आती हैं गलत तरीके से मास्टरबेशन करने से। तो सबसे पहली चीज तो प्रोन मास्टरबेशन बिल्कुल भी ना करें, पेट के बल लेटकर जो लोग करते हैं, बहुत गलत है ये। इसी से ही पिनाइल फ्रैक्चर होते हैं और पेरोनिस डिजीज होते हैं। और दूसरा कि बुरी तरह से पेनिस को रगड़कर मास्टरबेशन कभी ना करें, और किसी भी तरह का ऑयल पेनिस के ऊपर लगाकर कभी भी मास्टरबेशन ना करें। पेरोनिस डिजीज के काफी पेशेंट हमने देखे हैं जहां पर ऑयल गलत तरीके से मसाज करने से उनको पेरोनिस हो गया। इसीलिए हम जो ऑयल देते हैं उसके बारे में बताते हैं कि सही तरीके से मसाज कैसे करना है। तो पेरोनिस भी होगा और पिनाइल फ्रैक्चर भी होगा अगर आप गलत तरीके से मास्टरबेशन कर लोगे। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है अपनी बॉडी की सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई करना। और ये बड़ा नेचुरल है भाई, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बन रहा है तो जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा सेक्स करने का मन करेगा, उतना ज्यादा मन करेगा। अब पार्टनर आपके पास होगा नहीं तो आप मास्टरबेशन करोगे, मास्टरबेशन गलत करोगे तो बीमारियां हो जाएंगी। तो सही तरीका यह है कि पेनिस का जो आगे वाला हिस्सा है, फ्रंट पार्ट जिसको हम प्रिप्यूज बोलते हैं, जिसकी स्किन को और फिर मेन ग्लैंड है वो आगे वाला, उसको छोड़ करके पीछे से पकड़ करके आप मास्टरबेशन कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अब ये इतना एरिया आपका आगे वाला हिस्सा हो गया और पीछे का हो गया ये, तो इसको नहीं छेड़ना है आपने, और यहां से इसको पकड़ के आप जेंटली मास्टरबेशन कर सकते हो। रगड़ना नहीं है, टॉर्चर नहीं करना है, प्रोन मास्टरबेशन पेट के बल लेटकर ऐसे नहीं करना है, जेंटली मसाज करना है एक तरह से। और इस तरह से आप कर सकते हो, जेंटली मास्टरबेशन बोलते हैं इसको। और इससे आप देखोगे कि नसों में कोई डैमेज नहीं होगा, नसों में नुकसान नहीं होगा, खराबी नहीं होगी, आपकी सेक्सुअल डिजायर भी शांत हो जाएगी और मास्टरबेशन से आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये है सही तरीका मास्टरबेशन करने का। तो कुछ भी मुझसे पूछना है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री कंसल्टेंसी के लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, आपको कोई पैसा नहीं देना है किसी को, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।